पीएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में अब जो अभ्यर्थी हैं उनका जो एक कह सकते हैं कि प्रदर्शन इन्होंने पहले किया था, लेकिन अब इनका कहना है कि जो दूसरी दिन जो प्रश्न पत्र लीक हुआ उसको भी पूरे परीक्षा को रद्द किया जाए, चूंकि सरकार ने तो पहले दिन के परीक्षा को रद्द कर दिया। इस समय हमारे साथ ये आए हुए हैं, यहाँ ज्ञापन सौंपने के लिए कुछ आए हैं और कई लोग हैं, हम आपको इधर भी दिखा देते हैं नज़ारा, आप देख लीजिए। ये लोग ज्ञापन सौंपने बीएसएससी को आए हैं और ये लोग बीएसएससी से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि दूसरे दिन की परीक्षा को भी रद्द किया जाए। हम इनसे बात करेंगे। सौरभ जी, क्या है ज्ञापन में आपकी, क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि एक शिफ्ट की परीक्षा रद्द हो गई है, किए हैं आप, और दो अतिरिक्त पाली 9 लाख अभ्यर्थी इसी इंतजार में है कि अब तो कुछ उपाय कीजिए। और लगातार ये छात्रों के साथ जिस प्रकार से अन्याय कर रहे हैं, हम लोग 7 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं इनको, चेयरमैन सर को आज मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे और अल्टीमेटम देंगे कि अगर 30 तारीख तक आप नहीं लेते हैं फैसला तो 30 तारीख के दिन हम लोग बीएसएससी ऑफिस का घेराव करेंगे। 30 को घेराव करेंगे। किस आधार पर कह रहे हैं कि क्वेश्चन पत्र? अरे निश्चित रूप से आप जब 23 की प्रथम पाली के जो प्रश्न पत्र हैं वो परीक्षा के दौरान भी आउट हुए और 24 के भी, 23 के दूसरी पाली और 24 के भी प्रथम पाली के प्रश्न पत्र जो है परीक्षा के दौरान ही आउट है। उनके प्रेस नोट में जिक्र है कि एक घंटा पहले प्रश्न पत्र आउट है। निश्चित रूप से सारी परीक्षाओं को कैंसिल कीजिए और फिर से डेट अनाउंस कीजिए। आपको भी लगता है क्या? नहीं सर, आप जो बोले ना कि से कैसे लगा के, फर्स्ट बात है हम 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा पेपर था, तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का बोल रहे हैं तो वहाँ पे हुआ था क्या, पेपर जो था ले लिया जाता था उसी पेपर में रिटर्निंग, तो फिर बाद में भी यदि आया है पेपर का फोटो कॉपी यो क्यों आया है, ये कहीं ना कहीं फॉल्ट है। आप चाह रहे हैं पारदर्शिता के कारण किया जाए, पारदर्शिता के कारण रद्द किया जाए। फर्स्ट पाली में हुआ तो सेकंड पाली में भी वही जो है पेपर व्हाट्सएप पर वायरल होने लगा 12 बजे के आसपास जो था अगले दिन। आप बताइए क्या लगता है? देखिए जब परीक्षा में अंदर आप ले गए, फिर जूता मोजा तक खुलवा दिए, उसके बाद फिर अंदर आप प्रश्न पत्र भी ले लिए, बाहर निकलने के बाद हर एक स्टूडेंट के पास प्रश्न पत्र वायरल हो रहा है, इसका दिन में तो इसका मतलब प्रश्न पत्र वायरल हुआ है। और जब आपको ट्वीट के माध्यम से स्टूडेंट जो है 6.5 लाख ट्वीट किए हैं और इसको कैंसिल करने का मांग कर रहे हैं, तो फिर आप कैंसिल नहीं कर रहे हैं? देखिए परीक्षा कैंसिल करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का पूरा कह सकते हैं कि एक जो है वो पटना के बीएसएससी कार्यालय पहुंचा है और इन लोगों ने आज यहां एक ज्ञापन सौंपा है बीएसएससी के चेयरमैन को और कहा है कि अगर कह सकते हैं कि 30 तारीख तक अगर पूरे मामले में अगर कह सकते हैं कि फैसला नहीं लिया गया तो 30 तारीख को बीएसएससी का घेराव किया जाएगा। और ये लोग कह सकते हैं कि यहां घेराव करने के बाद ये लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पर रहेंगे। सहयोगी राजेश के साथ मुर्गोपालम कृषि पटना।